hello students we are doing the brain teasers of unit 7 and we have already done six questions and today we will do the remaining part of this brain teaser so uh, question number seven is Peter purchased the following items from the supermarket so Peter ne kahan se purchase kiye items from the supermarket that is toilet soap whose uh, cost is rupees 24 then shaving cream 52 rupees 50 paise toothpaste 47 rupees 50 paise hair oil 76 rupees cold cream 92 rupees 50 paise now what you have to do is prepare a cash memo for and find the total amount paid by him सो टोटल अमाउंट तो वी कैन ऑल्सो फाइंड इट हेयर बिकॉज आइटम्स जो है वो वन ही ली हुई है इसने क्योंकि हमें मैंशन नहीं है हाउ मैनी टॉयलेट सोप शेविंग क्रीम्स ही तो वन है ऑटोमेटिक सो वी हैव टू प्रिपेयर अ कैश मेमो सो वट इज कैश मेमो दैट इज यू नो बिल है इज द एग्जाम्पल सो इसको देख के हम क्या बनाएंगे एक कैश मेमो बनाएंगे अपने आप हाँ, एंड टोटल अमाउंट जो उसने पे किया सो दिस इंटरेस्टिंग वी है टॉप कैश मेमो एंड ऑफ द शॉप जो हमारी शॉप है उसका नेम लिखेंगे डेट जैसे ये बना हुआ है ऐसा ही हम फॉर्मेट बनाएंगे और उसको प्रॉपरली सॉल्व uh, करेंगे एंड टोटल अमाउंट निकालेंगे राइट सो लेट एस मेक द कैश मेमो सो कैश मेमो के लिए हमारे पास क्या होता है सबसे पहले दिस इज सेवेंथ पार्ट कैश मेमो के लिए हम टॉप में लिखते हैं कैश मेमो छोटा सा दैट इज कैश मेमो जो कैश मेमो है कौन कौनसी शॉप का है तो ये इसने खरीदा था सुपर मार्केट से सुपर मार्केट राइट इट इज गिवन इन द मेंशन इन द क्वेश्चन सुपर मार्केट एंड देन वी हैव टू राइट द एड्रेस बट एड्रेस इज नॉट गिवन सो यू कैन राइट एनी एड्रेस कहीं का भी एड्रेस आप डाल सकते हैं देन हियर वी हैव टू राइट द डेट डेट में आप कोई भी डेट डालेंगे बिकॉज इट इज ऑल्सो नॉट मैंशनड की कौन सी डेट को परचेज किया है एंड देन एम एस किसके नाम से ये बिल बिल्कट है आइटम्स प्रॉपरली स्केल से लाइन लगेगी आपकी इससे क्या होगा कि हमको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कैश में हम कैसा होता है और कैसे बनता है नाउ बट वी हैव टू

कितने हमने परचेज किया आइटम्स दियोर क्वांटिटी देन योर रेट पर आइटम रेट पर आइटम एंड देन योर अमाउंट अमाउंट हेयर वी हैव टू राइट रुपीस एंड हेयर पैसे सो इन दिस वे वी कैन मेक द कैश मेमो और ये आउटलाइन इसकी ड्रॉ करेंगे हम सी कैश मेमो बनाने के लिए आपको एग्जाम में नहीं आएगा बट स्टिल यू मस्ट नो कि कैश मेमो कैसे बनता है उसको कैसे हम रीड करते हैं सो ऑन द टॉप वी हैव टू राइट कैश मेमो एंड देन द नेम ऑफ द शॉप डेट एंड नेम ऑफ द पर्सन जो आपका परचेज कर रहा है एंड देन सीरियल नंबर सो फर्स्ट थिंग दैट पीटर हैज परचेज इज टॉयलेट सोप सो टॉयलेट सोप ना टॉयलेट सोप कितने परचेज किए वन ओनली वन टॉयलेट सोप हीचेज एंड वट इज इट्स रेट इट्स रेट इज ट्वेंटी फोर रुपीज एंड ये में एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन यू कैन सी ही इन द क्वेश्चन टॉयलेट सोप एंड इट्स कॉस्ट इज रुपीज ट्वेंटी फोर देन शेविंग क्रीम इस्ट इज फिफ्टी टू रूपीज फिफ्टी पैसे सो एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन मैं अपने आपसे कुछ भी नहीं लिख रहा हूं नेक्स्ट इज येविंग क्रीम शेविंग क्रीम And that is also quantity is one and cost is rupees uh, fifty two rupees fifty paise. Third thing is toothpaste, and that is also one quantity is one, and its cost is forty seven rupees fifty paise. Next is your hair oil, hair oil.

एंड रेट पर आइटम दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ वन हेयर ऑयल टूथ पेस्ट जो भी उसने परचेज किया नेक्स्ट इज योर अमाउंट अमाउंट यहाँ पर हम क्या करते हैं अमाउंट लिखने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई जितनी क्वांटिटी होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं रेट पर आइटम को सो हेयर द क्वांटिटी इज वन सारे आइटम्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है वन सो यू नो जब भी हम किसी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं वी विल गेट द सेम नंबर राइट सो ट्वेंटी फोर सो यहाँ पर ट्वेंटी फोर रुपीज बिकॉज रुपीज साइन इज ऑलरेडी देयर सो वील नॉट राइट रुपीज हेयर यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी रुपीज है सो ट्वेंटी फोर रुपीज एंड जीरो जीरो पैसे फिफ्टी टू बिकॉज से मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आ रहा है वन से मल्टीप्लाई किया फोर्टी सेवन रुपीज फिफ्टी पैसे मल्टीप्लाई वन से किया सिक्स रुपीज वन से मल्टीप्लाई किया नाइनटी टू रुपीज फिफ्टी पैसे विल राइट द टोटल अमाउंट राइट टोटल सो फॉर टोटल वी हैव टू एड इन सबको हम क्या करेंगे एड करेंगे And then we will get the total amount. So add them 0 plus 0 plus 0 is 0, and 5 plus 5 is 10 plus 5 is 15, and 1 carry over. Right? Add all these numbers. So 4 plus 2, 6. That is your choice. 6 plus 2 is 8. 8 plus 7 is 15.

Total amount paid by so total amount total amount paid by Peter is rupees two hundred ninety two two hundred ninety two rupees fifty paise, right? So this is the total amount paid by Peter. And now the last question. That is look at the following cash memo and find out the mistakes and correct them. So here the cash memo is given and we have to uh, find out the mistake. It's a mistake. Hein? It is not correct. We have to find out the mistake and then and also correct it.

वन आइसक्रीम थे ट्वेंटी फाइव रुपीज की सो वट इज द कॉस्ट ऑफ टू आइसक्रीम ट्वेंटी फाइव रूपीज की है तो टू आइसक्रीम कितने की होगी सो वट वी हैव टू टू वी हैव टू मल्टीप्लाईट सो आप चेक करेंगे इसको रफ में मल्टीप्लाई करके यू नो हाउ टू मल्टीप्लाय ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाय बाय टू सो देट इज फिफ्टी रूपीज देन मल्टीप्लाई Uh, then five ball pens he has purchased and then uh, cost of one pen is seven rupees fifty paise right seven rupees fifty paise and uh, five pens ball pens are purchased so we have to find out the amount so seven rupees fifty paise seven rupees fifty paise multiplied by five so five zero is a zero फाइव फाइव जे ट्वेंटी फाइव टू कैरी ओवर एंड जो ये पैसे है टू डिजिट पहले हमारा डॉट सेवन फाइव थर्टी फाइव प्लस टू इज थर्टी सेवन रुपीज फिफ्टी पैसे सो यू कैन सी हियर जो हमारा यहाँ पर अमाउंट है दैट इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग सो वी हैव टू डू द करेक्शन ऑल्सो सो इनस्टेड ऑफ दिस वी है So, this is the uh, cost of five ball pens. So, this is wrong. This is the first mistake. Then, three pens and cost of one pen is 10 rupees. 10 rupees uh, cost it to three pens. Multiply it also again. So, you know the table of 10. 10 threes are 30. So, it, this is all correct. And next, 45 rupees 50 paise is the cost of one crayon. Uh, crayon.

जीरो प्लस जीरो अब इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो राीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इज जीरोन फाइव प्लस फाइव इज टेन वन कैरी ओवर एंड देन सेवन प्लस फाइव बिकॉज जीरो फाइव प्लस जीरो इज फाइव फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन वन कैरी ओवर फोर प्लस थ्री सेवन प्लस थ्री टेन प्लस फाइव फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन सो दिस इज द अमाउंट टोटल अमाउंट करेक्ट अमाउंट सो इन दिस वे वी कैन चेक द कैश मेमो एंड आपके घर में भी कई बार क्या होता है कि शॉपकीपर आपको आ, कैश मेमो देता है एंड उसमें क्या होता है मिस्टेक्स हो जाती है कई बार वो आपसे ज्यादा अमाउंट ले लेता है और कम भी ले सकता है अगर ऐसी मिस्टेक हो जाए उसको कैलकुलेशन में सो यू मस्ट चेक द कैश मेमो और बिल कि उसने जो कैलकुलेशन है वो ठीक किया है आपसे गल रोंग अमाउंट तो नहीं ले लिया ज्यादा या कम तो नहीं ले लिया सो यू कैन चेक इट ना नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द रिवीजन ऑफ द सेकंड टर्म सिलेबस जो ये सेवेंथ यूनिट तक ही आपका एग्जाम्स में आएगा सो विल स्टार्ट द रिविजन इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू